32 फीसदी दलित वोटरों वाले पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी प्रमुख दलित नेता माने जाते हैं। कौन है चरणजीत सिंह चन्नी? पंजाब राजनीति में कैसे चमके चमकौर के चन्नी, समझेंगे आज के इस वीडियो में। चन्नी पंजाब के दलित समुदाय रामदासिया सिख से आते हैं। 58 साल के चरणजीत सिंह चन्नी का चमकौर साहिब के पास मकरोना कलां गांव में जन्म हुआ। चरणजीत ने प्राथमिक शिक्षा सरकारी प्राथमिक स्कूल से प्राप्त की। परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए वे मलेशिया चले गए। विदेश से कुछ जमा पूंजी लेकर लौटने के बाद चन्नी के पिता ने मोहाली के नजदीक खरड़ शहर में एक टेंट हाउस का व्यवसाय शुरू किया और वहीं बस गए। वो काउंसलर रहने के दौरान भी वे टेंट लगाने से हिचकते नहीं थे। चन्नी ने चंडीगढ़ के गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज से पढ़ाई की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। इसके बाद चन्नी ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। वे मंत्री रहते हुए भी पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे थे। CM चन्नी खरड़ में खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। साल 1996 में वे खरड़ नगर पालिका के अध्यक्ष बने। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चमकौर साहिब से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा। टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। वह पंजाब के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 2007, 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कैप्टन की सरकार में वे तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद संभालते थे। पंजाब राजनीति ने कुछ यूं करवट बदली कि चन्नी सीधे CM पद की कुर्सी पर बैठ गए। CM चन्नी 2022 विधानसभा चुनाव 2 सीटों से लड़ रहे हैं, चमकौर साहिब और पंजाब की भदौ सीट। सार्वजनिक जीवन में चरणजीत सिंह चन्नी भी विवादों से अछूते नहीं रहे। साल 2018 में मंत्री रहते चन्नी पर महिला IAS को अनुसूचित मैसेज भेजने का कथित आरोप लगा था। उन पर एक और आरोप लगा था कि चन्नी ने 2 लोगों की एक ही स्थान पर पोस्टिंग का फैसला सिक्का उछाल कर किया। चरणजीत सिंह की पत्नी कमलजीत कौर एक डॉक्टर हैं और उनके 2 बेटे हैं।